हरे कृष्णा। वैसे तो भगवान कृष्ण की सभी लीलाएं बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं, सुनकर के अत्यंत ही मन आनंदित होता है। उनमें आज हम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जो लीलाएं हैं उनकी चर्चा आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और सुदामा आपस में परम मित्र थे। सुदामा एक ब्राह्मण थे, अत्यंत ही निर्धन दरिद्र, कुछ नहीं था उनके पास, फटे पुराने कपड़े पहनते थे। और कितने आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण जो के संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, स्वयं भगवान हैं, और वैसे भी जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार में आए तो राजा के पुत्र थे। उनकी और एक निर्धन ब्राह्मण सुदामा की आपस में मित्रता कैसे हो गई, और वो भी इतनी घनिष्ठ मित्रता, कई बार बड़ा आश्चर्य होता है। तो आज हम सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसे हुई, कहाँ हुई, इस विषय पर चर्चा करेंगे। भागवत पुराण के 10वें स्कंध 45वें अध्याय में यह वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतीपुरी नगरी में शिक्षा ग्रहण करने गए। अवंतीपुरी नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां पे संदीपनी ऋषि का आश्रम था, जिनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम गए। आज भी यदि आप उज्जैन में जाएंगे तो आपको वहां संदीपनी ऋषि का आश्रम मिलेगा। वहां पे आश्रम है आज भी, जहां श्री कृष्ण और बलराम ने विद्या प्राप्त की थी। वहां जब श्री कृष्ण और बलराम विद्या अध्ययन के लिए गए तो वहां उस समय सुदामा भी संदीपनी ऋषि से विद्या प्राप्त करने के लिए आश्रम में ही थे। उस समय के नियमों के अनुसार जब कोई बच्चे विद्या प्राप्त करने के लिए आश्रम में जाते थे तो उन्हें आश्रम में ही रहना होता था, आश्रम के ही नियमों का पालन करना होता था, और इस बीच में वे अपने घर नहीं आ सकते थे। तो श्री कृष्ण और बलराम वहीं आश्रम में रह के विद्या प्राप्त कर रहे थे, और वहीं आश्रम में सुदामा थे। तो वहां आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा आपस में मिले। धीरे धीरे उन दोनों में बड़ी गहरी मित्रता हो गई। श्री कृष्ण और सुदामा इकट्ठे ही खेलते थे, इकट्ठे ही वनों में लकड़ियां इकट्ठी करने जाते थे, इकट्ठे ही भोजन करते थे, इकट्ठे ही विद्या अध्ययन करते थे। बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई दोनों में। एक दिन का प्रसंग मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। श्री कृष्ण और सुदामा वनों में लकड़ियां इकट्ठी करने गए, क्योंकि गुरु माता जो भोजन बनाती थी तो भोजन बनाने के लिए चूल्हे में उन्हें लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी, जिसके लिए वनों से लकड़ियां इकट्ठी करके लाई जाती थी। तो श्री कृष्ण और सुदामा वनों की तरफ गए कि लकड़ियां इकट्ठी करके लानी है।
गुरु माता ने एक पोटली में भुने हुए चावल आजकल जैसे हम चिवड़ा कहते हैं सुदामा को दिए कि यह तुम अपने पास रख लो, जब भूख लगे तो दोनों आधे आधे खा लेना। सुदामा ने पोटली संभाल करके अपने पास रख ली और दोनों वनों की तरफ चल दिए। तो वहां वनों में जब लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे तो इस बीच मौसम बड़ा खराब हो गया, भयंकर तूफान आ गया, तेज हवाएं चलने लगी, बड़ी तेज बारिश आ गई। जब बड़ी तेज बारिश आ गई तो कृष्ण जी के पास जो पेड़ था वो उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और सुदामा के पास जो पेड़ था वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। दोनों पेड़ों के ऊपर बैठे हुए बारिश रुकने का, तूफान रुकने का इंतजार करने लगे। दो तीन घंटे बीत गए, बारिश चलती रही। पेड़ पर बैठे बैठे सुदामा को भूख लगी, चावल की पोटली उसके पास थी तो उसने सोचा कि मैं कुछ चावल खा लूं। फिर सोचा नहीं, मैं नहीं खा सकता, ये मेरे और कृष्ण के दोनों के हैं तो मैं अकेला कैसे खा सकता हूं। ये सोच के चुप करके बैठ गए। फिर भूख और ज्यादा बढ़ गई थोड़ी देर में, तो सोचने लगे कि इसमें आधे चावल मेरे हैं आधे कृष्ण के हैं, तो जो मेरे आधे चावल हैं उसमें से तो मैं थोड़े से चावल खा ही सकता हूं ना, उस पर तो कोई हर्ज नहीं है, हाँ मैं बिल्कुल खा सकता हूं। ऐसा सोच के सुदामा जी ने थोड़े से चावल निकाले और खा लिए, पोटली बंद करी और रख ली। अब जब तेज भूख हो और हम थोड़ा सा कुछ खा लें तो भूख और भड़क जाती है। अब वो थोड़े से चावल खाने के कारण सुदामा जी की भूख और भड़क गई। सोचा अब क्या करूं, फिर सोचा कि मेरे आधे हिस्से के तो है ही ना, उसमें से थोड़े से और खा लेता हूं। थोड़े से और खा लिए पोटली खोल के। इस प्रकार से थोड़े 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 करते करते सुदामा जी ने सारे चावल खा लिए, कृष्ण जी के लिए कुछ नहीं बचा। जब तूफान रुका, बारिश रुकी, श्री कृष्ण पेड़ से उतर के आए, सुदामा पेड़ से उतर के आए, कृष्ण जी ने कहा कि सुदामा बड़े जोर से भूख लगी है, तुम्हारे पास वो गुरु माता के दिए हुए चावल हैं, निकालो ताकि हम खा लें। सुदामा ने कहा वो तो मैंने खा लिए। कृष्ण जी ने कहा वो तो आधे मेरे थे आधे तुम्हारे थे। गुरु माता ने कहा दोनों आधे आधे खा लेना, मुझे तो भूख लगी थी, मैं तो थोड़े थोड़े करके सारे खा गया, सुदामा ने जवाब दिया। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले और दोनों लकड़ियां लेकर के आश्रम में वापस आ गए। आने के बाद जब गुरु माता ने उनको भोजन दिया, भोजन वगैरह करके रात को सो गए। सोने के बाद सुदामा को मन में विचार आया कि ये जो मैंने आज सारे चावल अकेले खा लिए ये ठीक नहीं हुआ, मन में पश्चाताप हुआ। अगले दिन प्रातः हुई, प्रातः होने पे वो अपने गुरु के पास गए सुदामा, संदीपनी ऋषि के पास, और जाके उन्हें सारा उन्होंने बतलाया कि कल ऐसे ऐसे हुआ, मैं और कृष्ण गए थे लकड़ियां इकट्ठी करने और ऐसे ऐसे तूफान आ गया, बारिश हो गई, पेड़ पर चढ़ गए और मैंने सारे चावल खा लिए जो मुझे नहीं खाने चाहिए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, वो तो जो होना था हो गया। ऋषिवर ने कहा कि देखो तुमने ये गलत किया, ऐसा करके तुमने अपने लिए सदा के लिए दरिद्रता मोल ले ली, सदा के लिए गरीबी मोल ले ली,
लेकिन चलो खैर, तुम्हारे मन में पश्चाताप है और इसी पश्चाताप के कारण तुमने मुझे सारा कहा है, तो उसका कोई ना कोई समाधान भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने उनको समझाया। तो इस कथा से हमें पता लगता है कि किस प्रकार से भगवान सुदामा को मिले और सुदामा को मिलकर के किस प्रकार से उनकी आपस में मित्रता हुई। भागवतम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी संदीपनी ऋषि के आश्रम में अवंतीपुरी में 64 दिन और 64 रात रहे, और इन 64 दिन और 64 रात में दोनों ने 64 कलाओं का अध्ययन किया। वैसे अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, बलराम जी उनका अंश थे, वो भी भगवान थे, तो सारा ज्ञान ही उनसे आया है, वो तो स्वयं ज्ञानी हैं। उन्हें संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर के विद्या अध्ययन क्यों करना पड़ा? वो इसलिए कि भगवान दिखाना चाहते थे कि कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, चाहे सब कुछ जानता हो, किंतु फिर भी उसे गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी आवश्यक है। ये शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, और वहां रहकर उन्होंने 64 दिन और 64 रात में 64 कलाओं की शिक्षा ग्रहण की। अब उस काल में प्रथा थी कि जब गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे तो वहां बीच में कोई फीस वगैरह कुछ नहीं दी जाती थी, जैसे आजकल स्कूलों में दी जाती है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, व्हाट एवर। उस समय के अनुसार बीच में कोई फीस वगैरह नहीं दी जाती थी। शिक्षा संपूर्ण होने के पश्चात गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो संदीपनी ऋषि के एक पुत्र थे जिनकी पहले मृत्यु हो चुकी थी, तो ऋषिवर की पत्नी अपने पुत्र को याद करके कई बार बहुत रोती थी, बड़े परेशान रहती थी, और ऋषिवर को कहती थी कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है, आप इनसे कहो कि गुरु दक्षिणा में ये हमें हमारा पुत्र दे दें। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात एक दिन सुन ली। ये सुनने के बाद उन्होंने अपने गुरु से पूछा, तो गुरु ने बतलाया कि प्रभास क्षेत्र में समुद्र है, तो मेरा पुत्र वहां गया था और वहां से लौट करके नहीं आया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तब गुरु दक्षिणा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने रथ पर सवार होकर के प्रभास क्षेत्र में गए, समुद्र के किनारे जहां उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। वहां जाकर के उन्होंने, भगवान ने समुद्र को कहा कि मेरे गुरु पुत्र तुम्हारे पास हैं, उन्हें वापस करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वरुण देव मनुष्य के रूप में आए और हाथ जोड़ करके भगवान की वंदना की, और उन्होंने कहा कि आपके गुरु का पुत्र मेरे पास नहीं है, उसकी मृत्यु समुद्र में डूबने के कारण नहीं हुई थी। यहां समुद्र में पंचजन नामक एक बड़ा भारी दैत्य रहता है जो कि शंख के रूप में है। वो दैत्य का जो आकार है वो एक शंख के प्रकार से है। उसने
आपके गुरु के पुत्र को पकड़ा था और उसे खा लिया था, तो हो सकता है कि अब तक तो आपके गुरु पुत्र की मृत्यु भी हो चुकी है। भगवान ने जब यह सुना तो उन्होंने तुरंत समुद्र में छलांग लगाई। समुद्र में छलांग लगा करके जो पंचजन नामक दैत्य था समुद्र में, शंख के आकार का, उसका वध किया। वध करके उसके पेट में देखा तो वहां गुरु पुत्र नहीं मिला, अर्थात कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो भगवान ने समुद्र में से पंचजन शंख को निकाला, अपने साथ लिया और वहां से भगवान श्री कृष्ण और बलराम यमराज की प्रिय नगरी संयमनी में गए और वहां जाकर के भगवान ने शंखनाद किया। भगवान के शंखनाद करने पर यमराज तुरंत बाहर निकल करके आए और हाथ जोड़ करके भगवान की वंदना की। भगवान श्री कृष्ण ने यमराज को कहा कि अपने कर्म बंधों के अनुसार मेरे गुरु का पुत्र आपके पास लाया गया है, आप उसके कर्मों पर कोई ध्यान मत दो और मुझे मेरा गुरु पुत्र दो, वापस दो। अब भगवान का आदेश तो कोई टाल नहीं सकता, यमराज भी भगवान का आदेश नहीं टाल सकते। भगवान का ऐसा आदेश होने पर यमराज उनके गुरु पुत्र को लेकर के आए और ला करके भगवान को सौंप दिया। वहां से ये जो मैंने अभी कथा सुनाई है, ये यमराज से लाने की और वरुण देव की और पंचजन्य शंख की, ये भागवत के अनुसार ही है। दशम अध्याय 45वां अध्याय उसके अनुसार ही है। तो वहां से अपने गुरु पुत्र को लेकर के दोनों वापिस अपने गुरु के पास आए और आकर के अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उनका पुत्र वापिस किया। और जो पंचजन्य शंख वहां से लाए थे वो शंख उसके पश्चात भगवान ने सदा अपने पास ही रखा। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध होने के समय जो शंख बजाए गए थे उसमें पांडवों की ओर से सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने यही पंचजन्य शंख बजाया था और युद्ध आरंभ होने का संकेत किया था। तो अपनी शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात वहां से श्री कृष्ण और बलराम गुरु से और गुरु माता से आज्ञा लेकर अपने सभी साथियों से, सुदामा से सबसे विदा लेकर अपने नगर को वापिस आ गए। तो आज हमने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की आपस में मित्रता किस प्रकार हुई। अब अपने अगले कार्यक्रम में हम श्री कृष्ण और सुदामा की कथा को ही आगे बढ़ाएंगे और इससे संबंधित ही आगे कुछ चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।